हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखे जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस प्लेस पे जाने वाला हूँ फॉर ब्लॉगिंग के लिए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द ब्लॉग। वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग्स बनाएंगे क्या? यहाँ किसान छोटे हैं, हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े होते। तो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ इस्कॉन टेम्पल। मैं कुछ दिन पहले ही जाने वाला था इस्कॉन टेम्पल, लेकिन मेरे को खेलकूद महोत्सव था, मंदिर इस्कॉन टेम्पल नहीं जा पाया था, लेकिन अब मैं आ जाऊँगा। एक्चुअली मेरे जो कॉलेज में गेम हुआ था उसमें लगभग 6 ग्रुप थे, जिसमें 2 गर्ल्स के ग्रुप थे और 4 बॉयज़ के ग्रुप थे। एक ग्रुप में लगभग 350 लोग थे, उन्हीं में से एक ग्रुप का कैप्टन जो है मैं बना था। और हमारी जो ग्रुप है जो है खेल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमें अवार्ड मिला। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ वो ट्रॉफी जो कि हमारे ग्रुप सारा भाई हाउस को मिला। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है ट्रॉफी जो कि हमारे ग्रुप को मिला है। हमारे ग्रुप ने जो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ग्राउंड में जो है वर्क था बहुत अच्छे से किया, जिसके कारण हमारे ग्रुप को ज़्यादा पॉइंट्स मिले और हमारा ग्रुप जो है विजयी हुआ। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जहाँ पे खेल हुआ था। तो गाइस, आप देख सकते हैं यही है ग्राउंड जहाँ पे लगभग 6 हाउस के बच्चों ने मिलकर सफाई की थी और यहीं पे खेल महोत्सव हुआ था, जिसका क्लिप्स मेरे पास है, मैं वीडियो में दिखा दूंगा। उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रुप का पूरा काम देखना था हाउस कैप्टन को, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। जो भी क्लिप्स मेरे पास है मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और नहीं किया होता तो हमारे ग्रुप को जो है अच्छे पॉइंट्स नहीं मिलते और हमारा ग्रुप जो है विजयी नहीं होता। तो मैं सारा भाई हाउस के सभी मेंबर्स को सहदिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने अपना पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण सारा भाई हाउस जो है विजयी हुआ और उसे ट्रॉफी मिला। ये सब में आप सबका भरपूर योगदान है। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज है छुट्टी, इसलिए सभी लोग ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं, जिसमें हमारे हॉस्टल के लगभग ज़्यादातर बच्चे हैं जो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फाइनली गाइस, अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने एक जूनियर का जिसका नाम है बिरादर, वो अभी आएगा, फिर हम लोग जाएंगे इस्कॉन टेम्पल राधा कृष्ण जी का दर्शन करने। इस खेल महोत्सव में अब मैं अपने वॉलीबॉल टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि इस खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन की और वॉलीबॉल में विजयी हुई। तो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं यह है मेरे पीछे, ये मेरा हॉस्टल और मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं ये है मेरा डिपार्टमेंट। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ रोड पे और बिरादर आएगा, पीछे आप देख सकते हैं वाला रोड है, बिरादर इसी तरफ से आएगा। मैं बैक साइड में खड़ा हूँ तो अभी वो आएगा, अभी बिरादर इसी रोड से आएगा। फाइनली गाइस, देख सकते हैं बिरादर आ चुका है, लेकिन वो मुझे ढूंढ रहा है हॉस्टल के पास और मैं बैक साइड में खड़ा हूँ। तो फाइनली गाइस, वो मुझे फ़ोन करने जा रहा है क्योंकि वो मुझे नहीं देख पा रहा है आगे, मैं बैक साइड में खड़ा हूँ। गाइस, दो जूनियर आ चुके हैं तो साथ में हम लोग जाएंगे इस क्वांटम को। इधर देखिए, वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग्स बनाएंगे क्या? फाइनली गाइस, देख सकते हैं दोनों बिरादर आ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल।
आओ आओ आगे आओ जाके बैठ जाओ यार। तो सही है सर यार, मिलेंगे रेस्पेक्ट गर्ल्स को। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ मेदांता हॉस्पिटल के बाजू में रोड पे उतरे हैं। अभी हम लोग यहाँ से चल के जाएंगे इस्कॉन टेंपल। इधर ही आए थे, यहीं पे आए थे ना, महिंद्रा वाले में ना। एक 40 हो रहा है लेकिन अभी भी कोई रहा है। लुलु मॉल में गए कि नहीं सर? हाँ गया हूँ। कितनी बार? दो बार गया हूँ। एक बार आया था बाहर से ही देख के चला गया, एक बार आया था अंदर गया था। गलती कर दी है ना, पहले ही उतरना चाहिए था। हमें नहीं पता था ना, आप बोले थे लुलु मॉल के आगे है, लुलु मॉल के आगे देखे थे हम भी, मैप में ही देखे थे। यहाँ किसान छोटे हैं, हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग को 2.5 किलोमीटर चलना है। तो गाइस अभी हम लोग को 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे इस्कॉन टेम्पल। तो फाइनली गाइस 3.5 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल। बस कुछ ही पल में हम पहुंच जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। यहाँ का एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे ही आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, आप गूगल से यहाँ का एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्शन से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग इतना दूर चलने के बाद पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी श्री कृष्ण और राधा जी का जो मूर्ति है वो यहाँ पे है, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये मंदिर एकदम अच्छे रूप से बन जाएगा तब यहाँ पे मूर्ति स्थापित हो जाएगी। हरे राम हरे राम से, ताकि वो लोग आए अपना और उनका कोई हॉस्टल जाने की दिक्कत नहीं, नहीं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी कोई प्रॉब्लम तो आप उसमें आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने नया यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे मंदिर बनेगा ना अभी। हाँ अभी पर यहाँ पे ना 2-3 साल लगेगा। अच्छा, हाँ 2-3 साल। तो मूर्ति वहाँ पे रख दी जाएगी? आपने दर्शन कर लिए कि नहीं? करे नहीं, अभी 4 बजे खुलेगा। हाँ अभी तो बंद हो गया, आरती जब होगी। अभी आए थे क्या आप लोग? हाँ अभी जस्ट अभी दर्शन करके। नहीं नहीं, अरे खत्म हो जाएगा वो, खिला उनको खिचड़ी खिला दे, खिचड़ी स्पेशल बैठो वहाँ ठीक है, उसके बाद दर्शन। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग प्रसाद खा चुके हैं, अभी मंदिर जो है 4 बजे खुलेगा। अभी बज रहा है 3:10,
तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, यहीं पे 37 तक वार्षिक सम्मेलन है, तो वहाँ पे योगी जी आए हैं, हम लोग पहले वहाँ पे जाते हैं, फिर 4 बजे यहाँ पे आएंगे राधा रमण का दर्शन करने। तो गाइस अभी हम लोग 4 बजे ये मंदिर खुलेगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो 37 वार्षिक सम्मेलन होने वाला है यहाँ पे जाते हैं, देखते क्या होता है, फिर उसके बाद आके यहाँ पे श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहीं इस्कॉन टेम्पल के बाजू में ही बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहीं पे हो रहा है वार्षिक सम्मेलन, चलो देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो मतलब इसके लिए कार्ड मिलता होगा? हाँ, कार्ड तो कार्ड मतलब यीशु कैसे होता होगा ये लोग भाई यूनिवर्सिटी सिटी द्वारा इसे होता है। अच्छा, इन लोगों को डिवाइड किया जाता है वॉइस में। चलिए धन्यवाद। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग फिर एंट्री मार रहे हैं इस्कॉन टेंपल में। फाइनली गाइस अभी टेंपल खुल चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो फाइनली गाइस अभी श्री राधा और श्री कृष्ण जी का दर्शन हो चुका है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग इस्कॉन टेंपल का दर्शन करने के बाद लुलू मॉल आए हैं, तो चलो अभी हम लोग एंटर करने जा रहे हैं लुलू मॉल में। तो फाइनली गाइस अभी मैं लुलू मॉल से एग्ज़िट कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। गाइस आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, चैनल पे बने रहें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।